तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो डिमांडिंग कार के बारे में, जो कि है मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड मारुति सुजुकी की बलिनो। जो ये बलिनो है अभी नई लॉन्च हुई है। अगर इसके वेरिएंट्स की बात की जाए तो सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा, ये सारे वेरिएंट्स आते हैं बेस वेरिएंट को छोड़ के, यानी कि सिग्मा वेरिएंट को छोड़ के। उस ऊपर सभी वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। जैसे आप ये स्विफ्ट देख रहे हो, इसके अंदर भी आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, ये सारे वेरिएंट्स आते हैं बेस वेरिएंट को छोड़ के, यानी कि LXi वेरिएंट को छोड़ के। उससे ऊपर जो वेरिएंट बच गए सभी में आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। अगर इनके जैसे एक प्राइस की बात की जाए तो इस बलिनो का ऑन रोड प्राइस पड़ता है 7,30,000 रुपये हरियाणा में, अप्रोक्स में बता रहा हूँ, मतलब 5-10 हज़ार ऊपर भी हो सकता है भाई। और जो ये स्विफ्ट है इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है 6,51,000 रुपये। तो प्राइस डिफरेंस देखोगे तो 80 से 90 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है। बट उस 80 से 90 हज़ार रुपये में भाई आप लोगों को चीज़ें भी मिल जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई अब ये लॉन्च हो गई तो 80-90 हज़ार भाई एक्स्ट्रा देकर सब लोग बलिनो में परचेज करेंगे। स्विफ्ट की भी लुक काफ़ी अच्छी लगेगी आप लोग को, कुछ लोगों को स्विफ्ट पसंद आएगी, कुछ लोगों को बलिनो पसंद आएगी। तो जो लोग एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन से आप लोग को बलिनो में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, स्विफ्ट में कौन कौन से क्या क्या फीचर्स ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियो रहने वाली है। कंपेरिजन वीडियो है, ये सिग्मा वेरियंट आप पर्टिकुलरली देख रहे हो और ये इसका LXi वेरियंट आप लोग देख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइमेंशंस की बात की जाए तो जो बलिनो है इससे बड़ी है स्विफ्ट से। बूट स्पेस बलिनो का ज़्यादा है स्विफ्ट से। अभी गाड़ी में फ्रंट से ही स्टार्ट करते हैं और देन पीछे तक चले जाएंगे, इंटीरियर वगैरह सब कुछ आप लोगों को वीडियो में बताएंगे, कंफर्ट कौन सी गाड़ी में कैसे क्या मिलता है। तो जैसे गाड़ी की हेडलाइट दे रखी है बलिनो में, ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं येलो थ्रो के साथ, इंडिकेटर भी हेलोजन बल्ब के साथ है। जो स्विफ्ट में देख रहे हो ये हेलोजन बल्ब के साथ इसमें हेडलाइट्स दे रखी हैं। फॉग लाइट्स दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं मिलेगी। क्रोम फिनिश का यूज़ जो है सिर्फ स्विफ्ट में आगे की तरफ दिया गया, थोड़ा सा रेडिएटर ग्रिल में, बट अपने बलिनो में कोई भी क्रोम वगैरह का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप फ्रंट में से इन दोनों गाड़ियों की लुक देखोगे कौन सी आप लोग को ज़्यादा बेटर लगेगी, तो भाई दोनों की गाड़ियों की लुक है ना भाई काफ़ी सही बना रखी है। बुरी आप लोगों को दोनों में से कोई सी भी गाड़ी नहीं लगने वाली है, दोनों गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया सी लगेगी। बट इसमें प्रोजेक्टर और होता ना तो गाड़ी और भी ज़्यादा बेहतरीन लगती। साइड प्रोफाइल में आएँ तो जो इनके ORVMs हैं ये फोल्ड एंड अनफोल्ड मैनुअली ही करने पड़ेंगे और एडजस्टमेंट भी भाई मैनुअली ही होते हैं। स्विफ्ट और बलिनो दोनों के अंदर क्या है, आप लोग को जॉयस्टिक प्रोवाइड नहीं होता है इनके ORVM एडजस्ट करने के लिए, ये आपको बाहर से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। इंडिकेटर साइड फेंडर्स पे ही अवेलेबल होते हैं। अभी टायर सेक्शन की बात की जाए तो जो स्विफ्ट है इसके अंदर आप लोग को 14 इंच के टायर मिलते हैं, 165/80R 14 इंच के, और जो बलिनो है इसके अंदर 15 इंच के टायर मिल जाते हैं, 185/65R 15 इंच के। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं, व्हील कवर्स जो हैं इन गाड़ियों में अवेलेबल नहीं होता है। तो टायर सेक्शन भी इस गाड़ी में बड़ा मिल जाता है। डोर हैंडल्स ब्लैक कलर, मतलब अनपेंटेड आते हैं, पेंट नहीं आते, रफ ब्लैक फिनिश के साथ ही आते हैं। और जो ORVM से दोनों ही गाड़ियों में पेंटेड नहीं आते हैं। अगर की इन गाड़ियों की दिखाई जाए आप लोगों को तो जो स्विफ्ट की है कुछ इस तरह की मिलती है। इसमें आप लोग को सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है रिमोट के थ्रू। और बलिनो की आप लोग को दिखाई जाए तो इसके अंदर प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर आप लोग को सेंटर लॉकिंग अवेलेबल हो जाती है। इसमें क्या है, लॉक एंड अनलॉक का भी स्विच जो है अवेलेबल हो जाता है। बट वही है, स्विफ्ट में भाई वो चीज़ भी आप लोग को नहीं मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में माइक्रो टाइप एंटीना मिलेगा। अभी बैक प्रोफाइल में जैसे देखेंगे तो टेल लाइट दोनों में LED में मिल जाती है। बट बलिनो में क्या है, आप लोग को डिफोगर मिल जाता है, वहीं स्विफ्ट में डिफोगर अवेलेबल नहीं होता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है और बलिनो में क्या है, आप लोग को स्पॉइलर भी अवेलेबल हो जाता है। पार्किंग सेंसर्स दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल होंगे। बूट स्पेस की बात की जाए तो आप अगर बलिनो का बूट स्पेस देखो और इधर में स्विफ्ट का दिखाया जाए आप लोग को, स्विफ्ट में यार एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि पीछे की तरफ ना कोई भी स्विच प्रोवाइड नहीं होता है इसकी टेल गेट को ओपन करने के लिए, और ना ही पीछे कोई की लगाने के लिए दे रखा है। तो अगर आप इसकी टेल गेट को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे की तरफ में लीवर प्रोवाइड है, सिर्फ यहीं से इसमें ओपन कर सकते हो। एक नेगेटिव पॉइंट भाई ये भी हो गया। बूट स्पेस देखोगे जो बलिनो है इसके अंदर ज़्यादा दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में पार्शल ट्रे अवेलेबल नहीं होती है और दोनों ही गाड़ियों की जो सेकंड रो की सीट्स हैं ये बेंच टाइप ही अवेलेबल होती है। बूट लैंप दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल नहीं होता है। अगर स्पेयर व्हील की बात की जाए
तो जो ये स्विफ्ट है इसके अंदर 14 इंच का बिल्कुल सेम साइज का ही स्पेयर व्हील मिलता है, और जो ये अपनी बलिनो है इसमें स्पेयर व्हील देखोगे तो भाई वो भी बिल्कुल सेम साइज का मिलता है। बलिनो में पता है जैसे इसके टॉप वेरियंट लोगे ना जेट्टा और अल्फा, उन वेरिएंट में क्या है एक इंच छोटा यानी कि 15 इंच का ही आएगा, उनके अंदर जो टायर रहेंगे ना जो बाकी टायर बच गए वो 16 इंच के मिलते हैं, बट स्पेयर व्हील उनमें 15 इंच का मिलता है। अभी गाड़ी के इंटीरियर्स में चलते हैं और बताते हैं भाई क्या क्या चीज़ें इनके अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। तो अब इन दोनों गाड़ियों में सबसे पहले भाई जो बलिनो है इसके इंटीरियर में बात की जाए, बलिनो में क्या है आप लोग को चारों पावर विंडो मिल जाती हैं और यहाँ पर फैब्रिक का भी यूज़ मिल जाएगा। स्पीकर गाड़ी में नहीं अवेलेबल होंगे और ना ही म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, सीट फैब्रिक की आएंगी, हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगी। और इस साइड में मिल जाएगा इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच एंड लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल, और जो स्टेयरिंग व्हील है टिल्ट फंक्शन के साथ मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक वो नहीं आएगा, और टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें मिल जाएगी, और MID भी इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी जो कि बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन शो करेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यार आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने लग जाएगा जो कि बहुत बढ़िया से दे रखा है। म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, गियर नॉब देखने में कुछ इस टाइप का मिलेगा, आर्मरेस्ट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं होगा, दो ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे। और जैसे फिनिश देखोगे ना इसके बेस वेरिएंट में इसके इंटीरियर में तो ठीक दे रखी है, कहीं आप लोगों को कोई भी शिकायत नहीं लगेगी। और जैसे इसके एयर वेंट के अक्रॉस देखोगे थोड़ा सा कार्बन फाइबर का सा यूज़ देखने को मिलेगा, बट ये है प्लास्टिक की और सेम यूज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इंटीरियर भाई गाड़ी का काफ़ी सही दे रखा है, बेस वेरिएंट होते हुए भी आप लोग को ठीक लगेगा, कोई भी सिस्टम के कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, ड्यूअल हॉर्न इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा, IRVM मैनुअल मिल जाएगा, और पैसेंजर साइड सनवाइजर में कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही ड्राइवर साइड सनवाइजर में। बेस वेरिएंट में आप लोग को सिर्फ दो ही एयरबैग्स अवेलेबल होंगे। अगर गाड़ी में कंफर्ट की और विजिबिलिटी की बात की जाए तो अंदर ही बैठ के बताते हैं भाई, अंदर से बैठने में जो सीट्स है ना गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल है और विजिबिलिटी वगैरह भी ठीक आ जाती है, कोई बोनेट वगैरह इसमें दिखता नहीं है। थोड़ी सी सीट की हाइट ऊपर नहीं होती ना तो इस वजह से ये तो थोड़ा लगता है कि आप थोड़ी सी जो पोजीशन है थोड़ी सी नीचे लगने वाली है डैशबोर्ड की वजह से, बाकी जो इसके साइड विंडोज़ हैं ये आप लोग को ठीक पोजिशन में दे रखे हैं, ये कहीं भी आप लोग ऊपर नहीं लगेगी। अंडर थाई स्पॉट वगैरह और जो लेग रूम है वो गाड़ी में काफ़ी अच्छा दे रखा है। और इस गाड़ी के अंदर अच्छी बात क्या पता क्या है, इसकी सीट को मैं पूरी पीछे भी कर दूंगा ना तो भी जो इसके अंदर नी रूम लेग रूम बचेगा वो काफ़ी सही से बच जाएगा। तो फर्स्ट रो में तो बिल्कुल ओके कंफर्ट है, कुशनिंग वगैरह सीट की काफ़ी सही दे रखी है। सेकंड रो में आप लोग को दिखाऊं मैं, तो सेकंड रो में मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के बाद जो नी रूम है और लेग रूम है वो तो काफ़ी अच्छा सा बच जाता है, और ऑल द वे बैक होने के बाद भी 6 फुट का बंदा इसमें पीछे बैठ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पीछे कोई एयर का वेंट्स नहीं मिलते हैं। और फर्स्ट रो में आप लोग को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप सिर्फ यहाँ बीच में ही अवेलेबल होती है। पीछे ऐसा है कि भाई दो बंदे काफ़ी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, इनफैक्ट तीन बंदे भी गाड़ी में ठीक तरह बैठ सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। और सेकेंड रो में आप लोग को फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, आइसोफिक्स सीट्स भी जो हैं इसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो कंफर्ट वाइज भाई गाड़ी बिल्कुल ठीक दे रखी है, रेक्लाइनिंग एंगल और जो इसके अंडर थाई स्पोर्ट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था, बेटर हो सकता था यार इससे, तो पुरानी बलिनो में भी थोड़ी सी रेक्लाइनिंग एंगल की प्रॉब्लम है और इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी। अभी स्विफ्ट में चलते हैं और इसके इंटीरियर दिखाता हूँ भाई आप लोगों को। दोनों ही गाड़ियों में फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील अवेलेबल हो जाएगा, हाइट एडजस्टेबल सीट्स इसमें भी नहीं आएगी, ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ का स्विच और लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल मिल जाएगा। बट इस स्विफ्ट LXi में क्या है आप लोगों को पावर विंडो नहीं मिलेगी, फर्स्ट रो में भी सेकंड रो में दोनों में ही पावर विंडो नहीं दे रखी है, ना ही कोई स्पीकर की प्लेसमेंट, ना ही कोई सिस्टम इसके अंदर अवेलेबल होगा। डोर पॉकेट्स और जो बोतल कैरी करने के लिए होल्डर है वो तो इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। देखो जैसे मनूवर की बात की जाए तो जो स्विफ्ट है इसके अंदर से ज़्यादा अच्छा सा आ रहा है, क्योंकि इसमें ना ज्यादा ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि डैशबोर्ड ज्यादा ऊपर से है, तो पोजीशन वाइज इस गाड़ी में ज्यादा बेटर आप लोगों को लगेगा। बाकी यार इसके अंदर टैकोमीटर नहीं मिलता है, सिर्फ स्पीडोमीटर मिलता है, और MID बहुत ज्यादा छोटी सी दे रखी है। मैनुअल गाड़ी के अंदर AC मिलता है, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, गियर नॉब दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम मिलेंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट और ग्लास होल्डर मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट इसके टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलेगा, IRVM इसके अंदर मैनुअल डे नाइट भी नहीं आएंगे जो कि बलिनो में देखे थे, और
रीडिंग लैम्प बीच में मिलेगी, पैसेंजर साइड सनवाइजर में कुछ भी नहीं है और ना ही ड्राइवर साइड सनवाइजर में। दो एयरबैग इसमें मिल जाएंगे ड्राइवर पैसेंजर के। ग्लो बॉक्स दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाला है। तो कंफर्ट भाई इस गाड़ी का भी ठीक ही लगेगा आप लोग को। थोड़ी सी अंदर बैठने के बाद ना थोड़ी सी लगी थोड़ी सी भीड़ी है, और जैसे ये प्लास्टिक भी देख रहे हो ना ये बहुत पतला से लगने वाला है अगर बलिनो में बैठने के बाद इस गाड़ी में बैठोगे तो। बाकी विजिबिलिटी बलिनो में ज़्यादा बेटर आ रही थी एज कम्पेयर टू इसमें। डैशबोर्ड में थोड़ा सा ये फीलिंग तो है कि भाई इसका थोड़ा सा नीचे है, उसमें बैठने के बाद क्या था थोड़ा सा आप लोग को ऊपर वाली फीलिंग मतलब ये चीज़ लग रही थी कि ये थोड़ा सा ऊपर है, बट इसमें ऐसे लग रहा है थोड़ी सी नीचे है। तो ठीक है इसमें विजिबिलिटी वगैरह भी बेटर उसमें थी भाई, ज़्यादा बेटर आप लोग को बलिनो में लगने वाली है विजिबिलिटी। बाकी बोनट दोनों ही गाड़ियों में नहीं दिखेगा। अंडर थाई स्पोर्ट और जो सीटों की चौड़ाई है ना वो तो बिल्कुल ठीक है, और लेग रूम भी दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल ठीक मिलता है। इसमें भी स्टेयरिंग व्हील जो है टिल्ट फंक्शन के साथ अवेलेबल हो जाता है। अभी इसके बैक में दिखाता हूँ भाई इसकी सेकंड रो में कैसे का कंफर्ट जो है अवेलेबल होता है। सेकंड रो में कुछ इस तरह के आप लोग को डोर हैंडल्स मिलते हैं, और इस गाड़ी में क्या है आप लोग को मैनुअल सेंटर लॉकिंग भी नहीं मिलती है। जैसे एक डोर ओपन कर दिया तो इसके चारों डोर ओपन हो गए हैं, तो सिर्फ अगर ड्राइवर साइड ओपन करोगे तो सिर्फ इसी का ड्राइवर साइड ही ओपन होगा, चारों जो डोर्स हैं इसके ओपन नहीं होंगे। और यहाँ पे कोई स्विच भी नहीं गिवन है कि आप उसको अनलॉक कर सको। वहीं आप लोग को बलिनो में क्या है रिमोट के थ्रू सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे भी भाई बलिनो जो है बाजी मार लेती है। अभी कंफर्ट बताते हैं भाई गाड़ी का। भाई इसमें बैठने के बाद ना थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आएगी कि थोड़ी सी छोटी है कंपेरेटिवली बलिनो से। फर्स्ट रो में भी आप लोग को फिक्स एड्रेस मिलेंगे, सेकंड रो में भी वहीं बलिनो में क्या थे एडजस्टेबल हेडरेस्ट थे। लेग रूम नी रूम तो भाई इस गाड़ी में बिल्कुल ओके है। रेक्लाइनिंग एंगल जो है दोनों ही गाड़ियों में सेम दे रखा है, बट अंडर थाई सपोर्ट जो है बलिनो में ज़्यादा बेटर दी गई थी। तीन बंदे अगर वही तीन बंदे इस बलिनो में बैठाए जाएँ और वही तीन बंदे इस स्विफ्ट में बैठाए जाएँ तो जो बलिनो में है उसके अंदर ज़्यादा कम्फर्टेबली बैठ पाएंगे। इसके अंदर भी आप लोग को आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं होता है, बट आइसोफिक्स सीट्स जो हैं गाड़ी में मिल जाती है। अगर थोड़ा आप चाहते हो कि स्पेशियस कैबिन हो ज़्यादा, तो आप लोग को जो है बलिनो अपनी लिस्ट में कंसिडर करनी चाहिए। फ़र्क भाई अभी तो 80-90 हज़ार का ही है। बाकी ऐसा भी होता है कि लोगों को ना भाई चॉइस ही बन जाती है कि मेरे को स्विफ्ट ही परचेज करनी है वैसे कुछ भी हो, तो वो लोग भाई स्विफ्ट में जा सकते हैं, स्विफ्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। बट अगर आप 80-90 हज़ार रुपये डालते हो ना गाड़ी में तो वो आप लोग के लिए वर्थ भी रहेगा। सेंटर लॉकिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, फर्स्ट रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, कंपेरेटिवली कंफर्ट भी बलिनो में ज़्यादा मिल जाता है, तो ये थोड़ा सोचने का विषय हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई मुझे तो बलिनो जो है ये पर्टिकुलरली ज़्यादा पसंद आई है। बाकी वो आपकी चॉइस है भाई आप कौन सी गाड़ी को परचेज़ करें। तो गाइज यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आप मारुति को गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।